Hello students. Today we are going to study history. Okay. What are the contents in this? There are five chapters we have to study in history of class 10th. The first one is the rise of nationalism in Europe. Second one, nationalism in India. Third one, making of a global world. And the fourth, the age of industrialization.

ऑरेंज कलर इन लास्ट चैप्टर वी हैव बिन स्टडीड इन लास्ट सॉरी इन लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास क्लास नाइन्थ वी हैव बिन स्टडीड अबाउट फ्रांस द फर्स्ट चैप्टर वॉज फ्रेंच रिवोल्यूशन इन क्लास नाइन्थ यू माइट है सो वी हैव बिन स्टडीड अबाउट यूरोप वी हैव सीन यूरोप आप देख सकते हैं तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर आते हैं सबसे पहले बढ़ते हैं इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है So, the first chapter is the rise of nationalism in Europe. There are the seven contents we have to study in this chapter. The first one, the French Revolution and the idea of the nation. Second one, the making of nationalism in Europe. Third one, the age of revolutions. Fourth, the making of Germany and Italy, visualizing the nation, nationalism and imperialism. And at last, we have to study the summary of the chapter. Okay? So, these are the contents we have to study in this chapter. so let's begin with the introduction of this chapter okay the first point nationalism in europe france germany italy and britain nationalism ka jo emergence hota hai nationalism jo shuru hota hai hum sab pad chuke hain class नाइन्थ में जो first chapter था the French Revolution उस chapter में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो France की जो France की जो क्रांति हुई जो revolution हुआ उसका जो इम्पैक्ट आया उसका जो कंक्लूजन आया वो क्या था वो था नेशनलिज़्म और वहाँ से ये नेशनलिज्म की शुरुआत होती है वहीं से इसका इमरजेंस होता है और ग्रेजुअली ये पूरे यूरोप में स्प्रेड हो जाता है धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल जाता है ओके okay, अब हम देखते हैं कि ये कैसे फ्रांस में फिर इसका इमरजेंस हुआ जर्मनी में इटली में ब्रिटेन में ये हमें इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में कैसे ये स्प्रेड होता है ओके okay? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म क्या है लव so है अफेक्शन प्राइड है दैट इज नेशनलिज्म बना है नेशन वर्ड से नेशन वर्ड क्या है नेशन क्या है वॉट इज नेशन की बात करते हैं अगर तो इट इज अ डिफिनेट जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री जैसे ये कंट्री है फ्रांस इसकी एक जियोग्राफिकल बाउंड्री है ठीक है एक फिक्स जियोग्राफिकल बाउंड्री है तो इसके अंदर ये क्या है एक नेशन हो गया लेकिन इसका एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है इसकी एक कॉमन आइडेंटिटी होती है इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम कल्चर वैल्यूज रिलीजन लैंग्वेज एक्सेट्रा ओके बट दैट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हैव टू टू वी अंडरस्टैंड दैट हैडरस्टैंड वॉट इज नेशन द नेशन इज फिक्स्ड फिक्स डिफिनेट जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री क्लियर नाउ अब ये नेशन वर्ल्ड का इमरजेंस कैसे होता है इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट रिप्लेसिंग मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ये नेशन स्टेट कैसे आते हैं नेशन स्टेट आते हैं मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर को रिप्लेस करके पहले के समय में क्या था मोनार्की सिस्टम था राजा महाराजा का शासन होता था तो उन लोगों की कोई भी एक जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती थी जैसे मान लो कोई इसी राजा का शासन है तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में फैला हुआ है ठीक है जहाँ तक उसका रूल है वहाँ तक उसका जहाँ उसने कब्जा कर लिया जीत लिया किसी दूसरे एम्पायर को तो वहाँ पर उसका कब्जा हो जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग उसका एम्पायर रहता है बट नेशनलिज्म आने की वजह से लोग अपने देश के प्रति प्यार होने की वजह से लोग अपने अपने वैल्यूज कल्चर को जब प्रोटेक्ट करने लगे तो उन लोगों ने अपने एक नेशन के एक जियोग्राफिकल बाउंड्री फिक्स की तो उससे इमरजेंस होता है नेशन स्टेट्स का ठीक है इट रिप्लेस द मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर क्लियर नाउ अब हम ये देखते हैं नेशन स्टेट का जो डिफिनेशन है इज द वन इन विज सिटीजन अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी

नेशन स्टेट उसे भी उसे ही कहेंगे जहाँ पर एक सॉवरन गवर्नमेंट हो सॉरेन गवर्नमेंट का मतलब होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जहाँ पर कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो हमारी कंट्री है जैसे हमारी कंट्री पे किसी दूसरी कंट्री का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो तो दैट इज़ अ सॉवरन गवर्नमेंट तो एक ऐसा नेशन जहाँ पर सॉवरन गवर्नमेंट हो दैट इज नेशन स्टेट ठीक है अंडरस्टैंड अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं इस पेंटिंग से इस पेंटिंग के थ्रू इस पेंटिंग को डिपिक्ट किया है फ्रेडरिक सूर्यो ने फ्रेडरिक सूर्यो ने इस पेंटिंग को बनाया उस इस पेंटिंग के थ्रू पूरे चैप्टर को ये दिखाना चाह रहे हैं बताना चाह रहे हैं इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है ठीक है हम देख सकते हैं द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक यानी कि एक सपना एक ऐसी कंट्री का जो एक यूटोपिया वर्ल्ड है आपकी बुक में आप पढ़ेंगे यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसी दुनिया कल, कल, कल्पना करना है कैसे समाज की कल्पना करना जो कि <coughs> अभी तक संभव नहीं हुआ है ठीक है तो ऐसी ही कल्पना की जा रही है ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक ठीक है जैसे कि आप कल्पना कर लीजिए कि ए, ए, हम इंसान उड़ रहा है तो ये कल्पना की गई है अभी इंसान उड़ नहीं रहा है तो उसी प्रकार से कल्पना की गई है एक ऐसे नेशन की एक ऐसे कंट्री की जो कि डेमोक्रेटिक हो सोशल रिपब्लिक हो जैसा कि अभी तक नहीं था अभी तक मोनार्की सिस्टम था हर एक कंट्री अब धीरे धीरे मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश करके डेमोक्रेसी और के और सोशल रिपब्लिक की तरफ बढ़ रही है अब आप इस पेंटिंग के थ्रू आप यहाँ पर देख भी सकते हैं यहाँ पर एक स्टेचू ऑफ लिबर्टी है इस इस इस्टेचू को इंडिपेंडेंस का साइन माना जाता है क्यों क्योंकि जब लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में जब फ्रांस ने अमेरिका को आज़ादी दिलाई थी तो अमेरिका को गिफ्ट में ये स्टेचू दी थी फ्रांस ने तो अभी से इसको आज़ादी का प्रतीक माना जाता है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग फ्लैग लेकर के इस स्टेचू के आगे जा चुके हैं बहुत सारे लोग चेन बना करके इस स्टेचू यहाँ पर स्टैचू की तरफ चले आ रहे हैं ठीक है उनके हाथ में एक अपनी अपनी कंट्री का फ्लैग है ठीक है यहाँ पर अमेरिका स्विट्ज़रलैंड और स्टेचू के जस्ट पास आप यहाँ पर फ्रांस देख सकते हैं फ्रांस का फ्लैग है फ्रांस के लोग अब जस्ट अभी अभी आज़ादी पाए हैं मतलब कि स्टेचू को जो क्रॉस कर गया दैट मीन्स कि वो आज़ाद हो गया है जो स्टेचू के पास है दैट मीन्स कि वो अभी अभी आज़ादी उसको मिली है किससे मोनार्की सिस्टम से अब वो डेमोक्रेसी हो गया सोशल रिपब्लिक हो चुका है ठीक है अब यहाँ पर ये जर्मनी का फ्लैग देख सकते हैं इसी तरह आप कंट्री ये, ये हर एक कंट्री आगे की तरफ बढ़ रही है आज़ादी की तरफ बढ़ रही है मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश करके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं पड़ी हुई हैं ये मोनार्की सिस्टम की यानी एक डिस्पोटिक पावर के सिंबल हैं जैसे कुछ राजा महाराजा के कुछ चीज़ें हैं जो कि इसको डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर दिखाया गया है कि मतलब मोनार्की सिस्टम एबॉलिश हो चुका है ठीक है ऊपर देख सकते हैं आप गॉड गॉडेस ऊपर से देख रहे हैं कि अर्थ पे क्या हो रहा है ठीक है स्टैचू के आपके राइट हैंड में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है लेफ्ट हैंड में टार्च ऑफ इन्लाइटमेंट है तो इस पिक्चर के थ्रू पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर दिखाया गया है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कैसे एक एक कंट्री आज़ादी की तरफ बढ़ती है आगे इस चैप्टर में हमें आगे यही पढ़ना है कैसे नेशनलिज्म स्प्रेड होता है पूरे यूरोप में पूरे यूरोपियन कंट्री आगे कैसे आज़ादी की तरफ बढ़ती है इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है विद दिस विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर ओके क्लियर तो द फर्स्ट टॉपिक विल बी ऑफ दिस चैप्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ़ दिस चैप्टर जो हमारे अगले वीडियो में होगा तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में आपने क्लास नाइन पढ़ा है उसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा तो हम अगला टॉपिक वीडियो लेकर आएंगे तो आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा तो आप फ्रेंच रिवोलूशन को मेमोराइज करके आइएगा ओके थैंक यू बाय